बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की रोटी। आज हम नाश्ते में बना रहे हैं बेसन की रोटी, तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया जाए। तो मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। मेरे पास एक कप बेसन का है, मैंने इसे बॉल में डाल लिया है। इसके बाद मसालों में मेरे पास है एक हाफ चम्मच नमक का, हाफ चम्मच जीरे का, एक चम्मच है खुश्क धनिया, एक चम्मच है सुरख मिर्च, हाफ चम्मच है हल्दी और दो चम्मच सेंटर में जो है वो है बेसन मेरे पास। एक मीडियम साइज़ में बारीक कटी हुई प्याज है, पाँच से छः मिर्चें बारीक कटी हुई हैं मेरे पास। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। ये जो मसाले हैं मेरे पास प्लेट में, मैं सारे एक साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मिक्स करके। अच्छे से मसालों को हमने बेसन में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज और सब्ज़ मिर्चें। अब हाथों की मदद से मैं अच्छे से बेसन को मिक्स कर लूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक पेस्ट बना लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए प्याज जो था, सब्ज़ मिर्च थी, कितनी खूबसूरत की शक्ल आ रही है, हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही है इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, इस तरीके से इसकी हमें गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। तो चलिए व्यूअर्स, हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने जैसे आम रूटीन में हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें, ये देखिए इस तरीके से आम रोटी की तरह हम इसे बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, रोटी हमारी तकरीबन इस तरीके से तैयार है। हमने फुल इसे नहीं पका लेना। ये देखिए इस तरह से हमें इस पर बेसन लगा के बिल्कुल फिल कर लेना है। पूरी रोटी पे हम बेसन लगा लेंगे, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है, छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। चटनी के साथ, केचप के साथ इसे आप खा सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी इस पर। ये देखिए इस तरीके से पूरी रोटी पे मैंने बेसन लगा लिया है अच्छे से। अब हम इसे इस तरीके से उल्टी साइड पलट के तवे पे डाल देंगे। ये देखिए तवे पे हल्का सा मैंने घी लगा दिया था ताकि हमारा पराठा चिपके ना। बेसन वाला पराठा आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनता है। ये उल्टी साइड हमने पलट दी है, बहुत खूबसूरत शक्ल है इसकी, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए व्यूअर्स, बारिश के मौसम में ये पराठा हो तो मज़ा आ जाता है। हमारे भी यहाँ बारिश हो रही थी तो हमने ये पराठे बनाए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बेसन जो हमारा था गोल्डन कलर में आ गया है। ये देखिए पराठा हमारा तैयार है, आप हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर केचप है मेरे पास चटनी के साथ, आप जैसे भी चाहें इसे खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही मज़े का पराठा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये पराठा, बेसन वाला पराठा बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।